पढ़े लिखे लोग। भगवान राम और रावण का युद्ध हुआ। रावण घायल होकर के पृथ्वी पर गिर पड़ा और जब गिर पड़ा तो देखिए राम, भगवान राम, लखनलाल, हनुमान जी और विभीषण, ये चारों रावण के सामने खड़े हुए हैं। पहले मेरी बात को समझ लेना, ये चारों लोग रावण के सामने खड़े हैं। अब उन चारों से रावण ने एक सवाल किया। क्या रावण कहने लगा? क्या देखिए, सबसे पहला सवाल राम से कर रहा है। क्या और क्या कहा राम से? क्या रावण बोला, हे राम, बाण 31 चलाने की जरूरत क्या थी? आप तो परमात्मा के अवतार हैं और अगर चाहते तो मुझे वैसे भी मार सकते थे, ये 31 बाण चलाने की क्या जरूरत थी? दूसरा सवाल उसने हनुमान जी से किया। क्या हनुमान जी से कहने लगा? क्या दान की चीज जलाने की जरूरत क्या थी? मुझे तो लंका दान में मिली थी, तुमने उसको भी जला दिया, क्या जरूरत थी? तीसरा सवाल उसने लक्ष्मण से कहा। क्या कहा? हे लखन, हे लक्ष्मण, बेटी को विधवा बनाने की जरूरत क्या थी? और चौथा सवाल अपने भाई विभीषण से किया। क्या कहा? भैया, नाभि में अमृत बताने की जरूरत क्या थी? जब ये चार सवाल चारों से कर दिए तो देखिए सबसे पहले राम जी ने जवाब दिया। सुनिए, अब जवाब सुनिए। बोले, हे रावण, सुनो मेरी बात। अगर तुमको ये दुख हो रहा है कि मैंने तुम्हें मार दिया, तो क्यों मारा मैंने? सुनो, सुनिए।
बिटिया है लक्ष्मी मौर्या, उसकी ओर से क्या मुद्राएं हैं और ये पुष्पहार है। मेरी ओर से ढेर सारी शुभकामनाएं हैं। भगवती सदैव आपके अनुसर रहे, आपकी रक्षा करती रहे। धन्यवाद है, धन्यवाद। सुने तो राम जी ने जवाब दिया, बोले हे रावण, हे दशानन, सुनो सुनो। जनक की जाई जो मेरी पत्नी जानकी थी, है दशानन गौर से सोचो, वो तुम्हारी बेटी थी। अब मैं तुमसे पूछ रहा हूँ, रावण से भगवान राम ने कहा, गौर से सोचो वो बेटी भी तुम्हारी थी। तो हे दशानन मुझे बताइए क्या अपनी बेटी को चुराने की जरूरत क्या थी, बेवजह बात बढ़ाने की जरूरत क्या थी। और तुमने अपनी बेटी का ही हरण कर लिया, इसलिए मुझे ये सब करना पड़ा। अब लक्ष्मण जी बोले, भैया अब मुझे भी अपनी बात का जवाब देने दीजिए। तो लक्ष्मण जी ने क्या कहा, बोले दशानन तुम मुझसे कह रहे हो कि बेटी को विधवा बनाने की क्या जरूरत थी। अरे सुनो मेरी बात, सुने किसका, किसका, मेघनाथ का। मैं था ससुर दामाद को हमारे थे, लेकिन जो युद्ध हो रहा था रण युद्ध इस स्थल पे पार दामाद के करारे थे। अगर वो मेरे दामाद थे तो उनको इतना ध्यान रखना चाहिए था। लखन लाल बोले, के शक्ति ससुर में चलाने की जरूरत क्या थी, अरे शक्ति ससुर में चलाने की जरूरत क्या थी, बेवजह बात बताने की जरूरत क्या थी। अब तीसरी बात का जवाब हनुमान जी महाराज दे रहे हैं। क्या बेटा, क्या हनुमान जी महाराज बोले, क्या बोले, हे दशानन तुमने कहा कि दान की चीज जलाने की जरूरत क्या थी, तो सुनो दान की चीज में आग क्यों लगाई, और आग मैंने नहीं लगाई, तुमने मेरी पूंछ में आग लगाई तो लंका जल गई। और तुम भूल गए, तुम भूल गए ये पूंछ है कौन। हनुमान जी बोले, जानते तुम थे ऐ रावण, मैं रुद्र का अवतारी हूँ,
और याद करो रावण, जब मैंने लंका का निर्माण करवाया था भवानी के कहने पर, लेकिन गृह प्रवेश के लिए तुमको बुलवाया और जब तुमसे दक्षिणा मांगने के लिए कहा तो तुमने दक्षिणा में लंका को ही मांग लिया। अपना घर चला जाने के क्रोध में भवानी ने यह प्रतिज्ञा की थी कि अगर मैं इस घर में ना रह पाई तो ऐ रावण तुझे भी इस घर में रहने नहीं दूंगी। इसलिए तो रावण तुम ही बताओ, पूछ में मेरी पूछ में आग लगाने की जरूरत क्या थी, बात की बात बढ़ाने की जरूरत क्या थी, जरूरत क्या थी, अंतिम बात देखें आप लोग क्या है। विभीषण ने क्या कहा, क्या बोले भैया, आप मुझसे कह रहे हो कि मैंने राम को बता दिया कि मेरी नाभि में अमृत का कुंड है और ये बताने की क्या जरूरत थी, लेकिन आप खुद बताइए भैया मैंने आपको कितना समझाया और मैंने आपके लिए क्या नहीं किया। विभीषण कहने लगे, अरे भाई थे काम के लिए समझाया, लेकिन आपने क्या किया, क्या किया? गणपति लाल हो जाए तो फिर भगवान भी हो जाए। सुनिएगा, आइएगा, गीत बहुत अच्छा है। हाँ, गीत सुन लीजिए भैया, गीत बहुत बढ़िया आया है और आपने गाया है। हर क्या बात है बेटा, आइएगा, धुन बजी है, बहुत सुरीली लाभ लगा दो। दिल के
तो चांद तारों में नजर चेहरा चांद तारों में नजर आए चेहरा बाण एक तीस चलाने की जरूरत क्या थी और दान की चीज जलाने की जरूरत क्या थी बेटी को विधवा बनाने की जरूरत क्या थी ना भी मैं अमृत ये बताने जरूरत क्या थी आइए बताने की जरूरत क्या थी जलाने की जरूरत क्या थी ना तो राम जी ने कहा सुनो विप्र धेनु सुर संत हित लीन मनुज अवतार मैं पृथ्वी से दुष्टों का नाश करने के लिए तो आया हूँ क्योंकि तो तुम्हारे अत्याचारों से ये धरा कांपने लगी धरा कांपने लगी तो गाय का रूप बना के पहुंची कहा प्रभु अब तो चलिए अब तो धैर्य टूट रहा है सुनिए चाटी बोले भैया चाटी वाला माइक बढ़ा दीजिए थोड़ा राम सुनो जरूरत थी मुझे 31 चलाए क्यों क्योंकि तेरे 10 शीश अब 20 हो जाए 30 से ये कटे एक लगा नाभी में 31 ना चलाता तू मरता भी नहीं सुनो बाण 31 चलाने की जरूरत थी मुझको थी क्यों जीती लंका ये जलाने की जरूरत थी मुझको लंका मैंने कुबेर को दी तूने कुबेर से छीन ली इसलिए पाप का पापी खड़ा भर गया था पापी तेरा सम्मानी हमारे दादा जी श्री राम साहेब जी आपके कर कमलों से 21 रुपए का बहुमूल आशीर्वाद है सुनिएगा महाराम जी ने के पाप का पापी खड़ा भर गया पापी तेरा नाभि से मिटाने सुनिए तू बेटी बता रहा है जानकी को अरे तो जो ऋषियों मुनियों से जो खून लेता था कर रूप में उसको तूने घड़े में इकट्ठा जो करके रखा था वो तेरा पाप पड़ रहा खून ऋषियों ये बेटा सावास क्या बात है कितने अच्छे ढोलक बजाते हो बेटे बहुत अच्छे पसीना पहुंच लो बेटा का सुनिए खून ऋषियों का तूने जनकपुर में कहा था
ऋषियों का रक्त था, इसको मंदोदरी ने पान कर लिया, मंदोदरी गर्भवती हो गई, तूने गर्जना की तो वो गर्भपात हो गया, गर्भ को ले जाके तुमने जनकपुर में गाड़ दिया। ये पढ़ाई लिखाई के मजे है। अरे खून ऋषियों का तूने जनकपुर में गाड़ा, रावण मैं तुझे अकेले मारने नहीं आया, तुझे अकेले नहीं, अरे सारा परिवार मारने की जरूरत थी मुझे, तुझे अकेले नहीं, सारा परिवार मारने की जरूरत थी मुझे, नाभि से अंग मिटाने की जरूरत थी मुझे। अंतिम पंक्तियां सुनिए, अंतिम बात सुनिए, सांप पाया तूने तुमको श्राप मिला, श्राप मिल गया कि तीन जन्म तुम राक्षस हो, एक जन्म में हिरण्यकश्यप हिरण्याक्ष बने, दूसरे में तुम कुंभकर्ण और रावण बने, अब तीसरा जन्म होगा तुम्हारा ना, तीसरा तब तुम्हें मुक्ति मिलेगी रावण, तब मुक्ति मिलेगी। सनक सनंदन सन कुमार ने तुम्हें जो श्राप दिया, साप पाया था तूने पापी भुगतना होगा, पाप की आग में दस कंठ सुलगना होगा, इसलिए मारा तुझे क्योंकि अब तुझे जाना है और दूसरा जन्म लेना है, द्वारपाल तो मेरे ही थे और का नाम था जय विजय, ये अब आ रहे हैं अजय विजय, इनकी नींद सुलाने की जरूरत थी मुझे, थी मुझे रावण तुझको, अरे चैन की नींद सुलाने की जरूरत थी मुझे, नाभि से मिटाने की जरूरत मुझे, पान एक पीस चलाने की जरूरत मुझे, थी मुझे। आइएगा, ये रहा आपके बहुत ही बहुमूल गीत का बहुत छोटा सा प्रयास।